जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पदरिया पहुंचे मसूरी गांव के स्कूल का निरीक्षण करने। स्कूल लटका मिला, ताला नदारद रहे शिक्षक, महीनों से नहीं बांटा मध्यान्ह भोजन। खनियादाना जनपद क्षेत्र स्कूल में शिक्षा का क्या स्तर है, इसकी मसूरी गांव के शासकीय माध्यमिक स्कूल माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिली। स्कूल में ताला लटका रहा, पूछने पर पता चला कि शिक्षक छुट्टी पर है, दूसरे शिक्षक अपने निजी कार्य से स्कूल नहीं गए, उसका खुलासा हुआ। आज शिवपुरी जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाजपा नेता अमित पदरिया खनियादाना ब्लॉक के मसूरी गांव के स्कूल का निरीक्षण में। ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर यहां दो में से एक ही शिक्षक स्कूल आते हैं, स्कूल के अंदर भी अव्यवस्था का भी आलम है। माध्यमिक स्कूलों में मसूरी में मध्यान्ह भोजन योजना का कार्य देख रही स्व सहायता समूह द्वारा पिछले आधा सैकड़ा से अधिक माह से मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जा रहा है। स्कूल में शिक्षक भी समय पर नहीं पहुंचते, साथ ही छात्र छात्राएं शिक्षकों का बाहर इंतजार करती हुई मिली। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पदरिया ने बताया कि उन्होंने शिक्षक की अनियमितताएं की शिकायत संकुल प्राचार्य से की। इस संबंध में डीओ को संबंध में फोन लगाया गया, उनका नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर बताया। जानकारी के अनुसार शासकीय माध्यमिक स्कूल है मसूरी में मध्यान्ह भोजन योजना का कार्य देख रही स्व सहायता समूह द्वारा पिछले आधा सैकड़ा से अधिक माह से मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं किया जा रहा है। स्कूल में शिक्षक भी समय पर नहीं पहुंचते, मध्यान्ह भोजन समूह माफियाओं की मिलीभगत और साठगांठ से नगर सहित पोषण आहार भोजन व्यवस्था के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ समूह संचालक अधिकारियों की मिलीभगत से राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं, गरीबों को बच्चों को आए राशन को बेरोजगारों में बाजारों में बेच रहे हैं। जिम्मेदारों में अधिकारियों को राशन की कालाबाजारी की जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। इसके चलते दुकान संचालकों के हौसले बुलंद हैं और वे बेखौफ गरीबों के हक राशन तेल बाजार में बेच रहे हैं।